हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। मैं गगनदीप शर्मा एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी के लिए तीन ताल का एक और लहरा लेकर आया हूँ। मैंने अपने चैनल पर और भी लहरे नगमे सिखाए हैं कई तालों में, जैसे एक ताल में, रूपक में, झप ताल का लहरा। आप कथक के, तबला के, बखावत के विद्यार्थीगण इन सभी लहरे को सीखकर उस पर अभ्यास कर सकते हैं अच्छे से। आइए, ये लहरा जो कि राग मालकौंस पर बेस्ड है, ये आज मैं आप सभी को सिखाऊंगा। नोटेशन नोट डाउन करने के लिए नोट पर लेकर बैठिएगा। एंड आप सभी से गुजारिश की बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने कीमती कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए शुरू करते हैं ये लेसन। ये नगमा मैं आप सभी को सी शार्प स्केल से सिखाऊंगा। सी शार्प स्केल से पहले प्रयोग में आने वाले स्वर देख लीजिए। सा ग म ध नी सा नी ध म ग सा, ये सारे स्वर यूज हुए हैं। मंद्र सप्तक का कोमल नी भी यूज हुआ है, तो मंद्र सप्तक का स्वर लिखने के लिए वही नीचे उसको अंडरलाइन कर देंगे और एक नीचे डॉट डाल देंगे स्वरणी के लिए। बाकी कहीं भी गाधानी होंगे तो अंडरलाइन रहेंगे। आइए शुरू करते हैं पहली मात्रा से। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक दो, तो सा सा धानी धामा धानी, चार मात्रा में जाएगा। सा सा धानी एक दो तीन चार सा सा धानी धामा गामा पाँच छ सात आठ धामा गामा नौ दस ग्यारह बारह गा सा नी सा नी के चले नौ डॉट नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह गामा गामा धानी तेरा चौदह तेरह और चौदह के नीचे गामा रहेगा गामा गामा धानी। फिर पंद्रहवीं मात्रा के नीचे दो स्वर एक साथ हैं जो कि अर्धचंद्र में आएंगे, गामा और धानी। धानी भी एक साथ है जो कि सोलहवीं मात्रा के नीचे अर्धचंद्र में आएगा। एक बार पूरा देखेंगे। सा सा धानी धामा गामा गा सा नी सा गामा गामा धानी सा सा धानी धामा गामा गा सा नी सा गामा गामा धानी। आइए मैं थोड़ी देर का बजाकर दिखाता हूँ आपको। ताली इस प्रकार है, आप ताली और खाली भी पता होना चाहिए आपको तीन ताल का। सब ये रहेगा। धा धिन धिन